तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप यूपी टीयू का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वह बीटेक के लिए हो, बी फार्मा के लिए हो, एमबीए के लिए हो या फिर एमसीए के लिए हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो यूपी टीयू में अगर आप देने जा रहे हैं, तो उसके प्रिपरेशन के लिए जो 10-15 दिन आपके पास टाइम बचे हैं यूपी टीयू के एग्जाम के लिए, तो उसके प्रिपरेशन में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं? आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं या फिर आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, कौन सा आपके लिए सही रहेगा इस कम टाइम में, तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो आपको आपके यूपीटीयू के क्वेश्चंस आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे बी फार्मा के लिए हो, बीटेक के लिए हो, एमबीए के लिए हो, एमसीए के लिए हो या फिर कोई भी हो, एग्रीकल्चर के लिए हो या फिर कोई भी हो, आपका जो यूपीटीयू में आता है, टोटल आपके 11 पेपर होते हैं, 11 पेपर में से कोई भी पेपर हो आपका यूपीटीयू में जो होता है, तो उसमें आपका जैसे होता है कि दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक थ्योरी बेस्ड आता है, एक क्वेश्चन टाइप के आते हैं। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें टोटल क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते हैं, बट अगर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, कुछ थ्योरी दिए होते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए और आपको कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो आपको जो आप तैयारी कर रहे हैं यूपीटीयू के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आपके पास जो ये 10-15 दिन टाइम बचा है, तो उसमें आपके लिए क्या सही रहेगा? आपके लिए थ्योरी सही रहेगा पढ़ना या फिर आपके लिए क्वेश्चन सही रहेगा? इसी टॉपिक के ऊपर आज हम आपको बताएंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके मैथ पढ़ रहे हैं तो उसमें तो खैर टोटल क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, बट अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कर रहे हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने पिछले टाइम में या फिर जो पिछले टाइम में आपने जो पढ़ा हुआ है, अगर क्वेश्चन ट्राई किए हुए हैं, तो आप इस कम टाइम में क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आपने पिछले टाइम में कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स या केमिस्ट्री के ट्राई नहीं किए हैं, तो आपको इस बचे हुए टाइम में क्वेश्चंस ट्राई नहीं करने हैं। इस टाइम में आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस के मुकाबले बहुत इजी भी होते हैं और आपको जल्दी समझ में भी आ जाते हैं और आप उसको उसमें रट्टा मार के भी उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपने पिछले टाइम में जो भी प्रिपरेशन किया है यूपीटीयू के लिए पिछले साल भर में, अगर आपने उस टाइम में फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन ट्राई किए हैं, तो आप इन बचे हुए टाइम में क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आपने उन टाइम में कोई भी क्वेश्चन ट्राई नहीं किए हैं, तो आप इस टाइम को उस क्वेश्चन करने में बर्बाद मत कीजिए। आप थ्योरी पढ़िए। थ्योरी में आप कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ सकते हैं? इसमें आप पॉलीमर्स पढ़ सकते हैं, इसमें आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ सकते हैं और ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ के इसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आप को मेरा यही कहना है कि आप थ्योरी पढ़िए। जो ये 10-15 दिन बचे हैं आपका एग्जाम होने के लिए, तो इसमें आप थ्योरी पढ़ के अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपने आने वाले यूपीटीयू के एंट्रेंस एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।